इसको हमने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इतना बड़ा करा है। इसमें बिल्कुल गोबर का खाद डाला है, ना कि हमने कोई कीटनाशक वगैरह ये जो केमिकल के आते हैं वो भी नहीं डाला है इनमें। इसमें हम राखोड़िया खाद डालते हैं, ठीक है, जो अपनी राख रहती है, ठीक है, वो इसके ऊपर डालते हैं, जिससे जो भी मतलब कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, कीटनाशक कीट वगैरह, वो सब खत्म हो जाते हैं उसमें। और इसमें हम गोबर का प्योर खाद डालते हैं, जिससे ये आज इतना बड़ा हो गया। ये करीब 4-5 महीने हुए इसको, क्या 4-5 महीने में इतना बड़ा हो गया है। ठीक, कट कर ले, मैं इसका वीडियो, ठीक है। इसमें केमिकल वेमिकल कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक खाद है, और इससे हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट तैयार किए, ठीक है। ये ऐसे हम डालते हैं इसमें हर बार, हफ्ते में एक दो बार डालना पड़ता है इसको, ये छोटे में डालते हैं, हर प्लांट में डालना पड़ता है, सब में डाले, एक इसमें डालोगा, ठीक। और उसके बाद में हमारे पास राखोड़िया खाद भी है, हाँ, जो कि हम पत्तियों में, ये इसको छोटे छोटे प्लांट के लिए भी बचाना, दूसरे जो अभी लगा, ये जामफल का पौधा है, करीब इसको 1-1.5 साल हो गया है, ठीक है। और ये राखोड़ी खाद है हमारे पास, जो कि हम इसके ऊपर ऐसे फेंकते हैं, जो भी कीट वगैरह रहती है वो खत्म हो जाती है, इससे हमको कीटनाशक वगैरह का छिड़काव भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इसमें हम डालते हैं, जिससे जो भी कीट वगैरह है जो कि प्लांट को पनपने नहीं देती, खत्म कर देती है, ठीक। ये भाई आंवला का पौधा है, ये जो राख है, ये भी इंसेक्टिसाइड्स रहेंगे। इसमें मैंने ये गेमेक्सिन पाउडर, वो बोले तो फले डाल, इसको मिक्स कर दिया है। ये पाउडर जो भी इस पे इंसेक्ट है, मेरा फोटो भी लेना, जो भी इंसेक्ट है, जैसे पत्तियां खा रहे हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये भी ये वाला, ओ भाई ये बांका हो गया था, ठीक है। और इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ये जो अभी छोटे छोटे झाड़ है, मैं ओनली सर मैंने गोबर का खाद इस्तेमाल किया है, जो मतलब दे चुका हूँ बहुत पहले, अब ओनली खाली कीड़े मकोड़ों से रक्षा के लिए फली डाल और ये राख का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में इधर ये जो मेरा झाड़ है, ये नींबू का है, इसमें क्या इल्लियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है फिलहाल, तो इसको डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ठीक है ना। अभी तरह ये सब्जी वाले का भी बताते हैं ना, ये अपनी क्या है वेजिटेबल्स, इनमें भी ये खाद तो अपन ने दे चुके हैं, और पानी तो मैंने सुबह पिला दिया था इनको, जैसा भी ये आया है इसमें, ये आ गया फल आ गया है इसमें, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, ओनली सिर्फ यही पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक से बना हुआ है ना? हाँ सब ऑर्गेनिक। अब जैसे ये कीड़े उन जो रहते हैं, ये क्या है, सब प्लांट की पत्तियाँ खा के सब रिजेक्ट कर देते हैं, ग्रोथ ही नहीं होने देता उनकी, बर्ड्स और ये सब रिजेनरेट होने के पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए मेरे को बहुत सारी दवाइयों का भी छिड़काव देता हूँ मैं, जब प्लांट बायो स्टिमुलेंट, बहुत जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, कलिका बढ़ाने वाली, पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाली, और ये अपने केले का झाड़ कोई साल भर पहले लगाया था, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं लगती किसी भी इंसेक्टिसाइड्स के लिए, डायरेक्टली नेचुरली ग्रोथ है इसकी, अच्छी ग्रोथ होती है इसमें।